अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू एमल। मैं इस वक्त देवरकुंडा किले पर हूँ, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट का देवरकुंडा किला, जो तेलंगाना का तारीख़ी किला माना जाता है। तकरीबन सर्च करने पर पता चला कि 800 साल कदीम किला है, जिसमें 5 गैर आबाद और वीरान मस्जिद है। आप सब जानते हैं कि मैं पूरे तेलंगाना के हर वो गैर आबाद मस्जिदों का रिकॉर्ड महफूज करने के लिए एक मुहिम चला रहा हूँ। इसी की कड़ी है कि आज मैं नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के देवरकुंडा किले के ऊपर हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कदीम मस्जिद जिसका छत गिर चुका है, दीवारें भी गिर चुकी हैं, मेहराब नज़र आ रहा है, और इसी तरह बहुत ही कमज़ोर हालत में देवरकुंडा किले के अंदर 5 मस्जिद है। आज आप मेरे कैमरे के ज़रिए देखिए कि अल्लाह के घर किस हाल में है। आपको याद दिला दूं कि सीएम केसीआर ने इलेक्शन से पहले इस बात का वायदा किया था कि देवरकुंडा किले को एक टूरिज़्म का मुकाम बनाऊँगा और इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च करूँगा, लेकिन वो वादे पर अभी तक अमल नहीं करे, जिसकी बुनियाद पर तकरीबन किला एक वीरान खंडेर में तब्दील हो चुका है। गोलकुंडा किले से भी काफ़ी बड़ा ये देवरकुंडा का किला है, और हज़ारों फीट की बुलंदी पर तकरीबन 5 मस्जिद वीरान और खंडेर में तब्दील हो गए हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन मस्जिदों का रिकॉर्ड ना ही वक्फ बोर्ड के पास है, ना किसी सियासी जमात के पास है, लेकिन अफसोस की बात यह है के रिकॉर्ड को महफूज रखना चाहिए था और अल्लाह के घरों को आबाद करने और उन्हें महफूज करने की ज़रूरत थी, लेकिन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना इसमें नाकाम रही। आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे इस मुहिम में हमें कामयाबी मिले और हम एक रिकॉर्ड महफूज कर सकें, ताकि हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के हर छोटे बड़े गाँव के तमाम गैर आबाद, वीरान, कुतुब शाही दौर की, आलमगीर दौर की, आसिफ जाही दौर की मसाजिदों से आपको वाकिफ़ कराऊं और इसका रिकॉर्ड महफूज कर सकूं। मैं इन तमाम मेरे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो देवरकुंडा के मुकामी लोग हैं, जिनकी तल्ला पर, जिनकी फ़िक्र की बदौलत मैं आज यहां पर आया। देवरकुंडा किले में जुमला 5 मस्जिद है। ये देखकर बेइंतहा दिल को तकलीफ़ हुई कि 5 के 5 मस्जिद की हालत बहुत बुरी है। 4 मस्जिदों का तो छत गिर गया है, सिर्फ मेहराब और साइड के दीवारें मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि ये फिर भी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेइंतहा खस्ता हालत में है। ये काम वक्फ बोर्ड का था और हुकूमत का था, लेकिन उनकी बेहिसी को जगाने के लिए हम यहाँ पर हैदराबाद में से 107 किलोमीटर दूर देवरकुंडा किले पर पहुँचे, ताकि हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएँ और वक्फ बोर्ड को अपनी बेहिसी का एहसास दिलाएँ। बेइंतहा अफसोस की बात है कि हैदराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के आगे देवरकुंडा किले में 5 मस्जिदें वीरान, बहुत ही खस्ता हालत में हैं, जिनका वजूद मिटने के करीब है। हमारी ये कोशिश है कि आने वाली नस्लों को बता दें कि हमारे आबो अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह हमारे लिए अल्लाह के घरों को बनाया था, ताकि हम उसे आबाद रखें, लेकिन अफसोस हम उसमें नाकाम रहें। हमें तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करना चाहिए और गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं देवरकुंडा से अबू एमल।